खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां बेवर थाना क्षेत्र के मद्दापुर खास की घटना हुई, जहां पर रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर भी फेंके गए। पूरी घटना का एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप देख पा रहे हैं। इस पूरे विवाद में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेवर CSC में भर्ती कराया गया है। वहां पर एक व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एक पक्ष ने प्रधानी की रंजिश को लेकर हुए विवाद को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। पूरी घटना जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के मद्दापुर खास की है। यहां रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इसमें कुल चार लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो यहां से 10-12 साल नहीं रही जी। उसकी कोई जमीन थी थोड़ी बहुत, पट्टे वाले को लाश भर रही थी। किस बात पे हुआ? तीन लोग घायल हो गए, सारे तमंचा लेकर आए थे मुझे मारने के लिए। और देखो उनके पिता भैया लोगों कितने लोग थे? 10-12 लोगों ने हमला कर दिया। उसे अवैध जगह पर कब्जा करने के लिए, मतलब जब वहाँ प्रधान जो लोग आए तो पुलिस भी आए। पुलिस जाने के बाद प्रधान पर हमला बोलने के मतलब जो है मुताबिक हम लोगों ने बचाया उनको, तो पत्ता तमंचा लेके। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर में प्रधानी की रंजिश के चलते घटना की बात सामने आई। हालांकि पुलिस से पूरे मामले की जांच की बात कर रही है, वहीं तहरीर के आधार पर मामले को दर्ज किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप देख रहे हैं, जिसमें जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल रहे हैं। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी भोगांव का कहना है कि दो पक्षों में झगड़े की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ लोग घायल हुए, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रात लगभग 9 बजे मद्दापुर खास से सूचना आई कि दो पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई, कई लोग चोटिल हैं। इस सूचना पर पुलिस गई तो वहां पे दोनों पक्षों के लोग चोटिल थे। एक पक्ष राजेंद्र सिंह है, दूसरा पक्ष अशोक सिंह। राजेंद्र पक्ष के प्रदीप चोटिल थे, अशोक पक्ष के सौरभ तथा राकेश सिंह चोटिल थे। इन लोगों को PHC पे ले जाया गया, फिर यहाँ से रिफ़र किया गया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल से ये लोग सैफई रिफ़र हो गए, जहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान राकेश सिंह की मृत्यु हो गई और प्रदीप का इलाज चल रहा है। दरअसल अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की और प्रधानों के चुनाव की, तो इस दौरान अलग अलग गांव में रंजिश देखने को मिलती है और इस रंजिश के विवाद में बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, और मैनपुरी की यह घटना भी उसी का नतीजा है। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि किसी भी रंजिश के चक्कर में एक दूसरे पर हमला ना करें, एक दूसरे को चोट ना पहुँचाएं। मैनपुरी से संजय शर्मा, टीम N भारत।